आपका स्वागत है भोजपुरी कलेक्शन न्यूज चैनल में। आज हमारे साथ भोजपुरी के बेहतरीन राइटर जो कि बतौर गीतकार शैलेश शैलेश राज यादव जी जो कि मिल चुके हैं हमारे साथ। भैया आपका स्वागत है। भैया आप काफी हिट पोस्टर अभी जो सुबह मॉर्निंग लॉन्च हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जी पावर स्टार पवन जी के बारे में? आज जो पोस्टर लॉन्च हुआ है पवन जी का एजे फिल्म पर, तो वो परसों गाना छूटने वाला है एजे फिल्म पर, और बड़ा ही प्यारा गीत है, कांवर भजन है, पवन जी और शिल्पी जी का गाया हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और निवेदन करूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, एजे फिल्म्स को, और ढेर सारा प्यार दें, ताकि लगातार ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े गाने आने वाले हैं इस चैनल पे। जी सर। सर ये गाना मतलब कैसा होने वाला, क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी सिंगरों को गाना दे चुके हैं, हिट हुआ है मार्केट में, इस ये गाना किस टाइप का होने वाला है इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। देखिए, ये गाना जो सोशल मीडिया पे अभी ये चल रहा है, जैसे जनुआ मजनुआ जी चल रहा है अभी 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 ट्रेंडिंग में, ये चीज अभी ये चीज ट्रेंडिंग में, तो उसी टाइप का ये गीत है। हालांकि परसों तक रिलीज हो ही रहा है, तो आप लोग को सुनने को मिल ही जाएगा। जी, कल टीजर आ जाएगा सर। टीजर 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 का हाँ, वाला आया है। संभवतः कल उसका टीजर हम लोग रिलीज करेंगे। जी अच्छा, पावर जी स्टार पवन जी का आप पहली बार लिखे गाना जो कि आप मिले होंगे तो कितना अच्छा लगा होगा आपको? पवन भैया से मुलाकात मेरी नहीं हुई है, मैं डबिंग के समय नहीं था, मैं गांव में था अपने। हालांकि डबिंग मेरा के समय मैं वहां था नहीं मौजूद, मैंने सिर्फ लिखा है। लेकिन वास्तविकता बात यही है कि देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के एक स्तंभ है, एक ऐसे पहचान है भोजपुरी के, जिनके साथ काम करने के लिए हर गीतकार इच्छुक रहता है कि चल मैं पवन भैया के साथ काम करूं। तो बस वही मेरा भी इच्छा था कि मेरे भी गाने जो है पवन भैया गाएं, और संभवतः आज एजे फिल्म्स के माध्यम से हुआ कि मेरा गाना पवन भैया गाए हैं, और पब्लिक का प्यार आशीर्वाद मिला, तो आगे भी लगातार जारी रहेगा। अच्छा, तो भैया जैसे आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी जैसे टुनटुन यादव जी का ही गाना लिखते रहे थे, फिर उसके बाद लगातार कंटिन्यू टुनटुन यादव के बाद हिट होने पर मार्केट में आपका डिमांड आ गया, फिर उसके बाद अंकुश राजा अदर सिंगर के भी फिर गाने आने लगे आपके लिखे हुए गाने, फिर उसके बाद मैं देखिए, मैं गीतकार हूँ और सभी गायक मेरे हैं। कंपनी के माध्यम से जिस गायक के लिए मुझे आदेश मिले हैं, जिस कंपनी के इस सिंगर के लिए आप गाना लिखिए, तो मुझे तो भाई लिखना है। और टुनटुन यादव मेरा छोटा भाई है, अंकुश राजा भी भाई है, तो सभी जितने भी सिंगर मेरे गाने को गाते हैं सभी लोग मेरे भाई हैं। तो यही सारी चीजें होती है, और कलाकार का कोई जात धर्म नहीं होता है, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, और डिजिटली मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। आपने भी कई बार फोन किया इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं नहीं दे पाया, इसलिए कि मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखता हूँ। इसलिए कि मान लीजिए कि बातों बातों में कोई बात ऐसी निकल जाती है जो लोगों को थोड़ा सा बुरा लग जाता है, तो मैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहता हूँ, कि मैं दूर ही ऐसे रहूँ। ही सर। एक राइटर जी हैं, क्या नाम है, मनोज मतलबी जी जो कि मुंबई में रहते हैं, वो भी जी बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया से दूर ही रहते हैं। वही चीज है, वही चीज है, वही चीज, बट क्योंकि हमको लेखनी, हालांकि हमको लेखनी करना है, गीतकारी करना है, हमको गाली गलौज नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, किसी से नहीं करना है। जब लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर गीतकारी कब करेंगे, गाना बजाना हम कब करेंगे। नहीं, बराबर। भैया आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे आप गाना मतलब लिखना स्टार्ट कब किए, जैसे आपका बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए भैया, जैसे शुरुआत कब से किए भैया, कितना स्ट्रगल किए मैं भैया? गीतकारी अभी 13-14 साल से कर रहा हूँ। जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में था, तब से मुझे गीत लिखने का हुनर है। धीरे धीरे अब जिस तरह उम्र बढ़ती गई, कलाकारों से संपर्क होता गया, उस तरह धीरे 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 मैं आगे अपना ऑब्जर्व करते गया, सिंगिंग गीतकारी होते गया, गीतकारी
गायकों से मिलाप होते गया और ये सारी चीज होते गई। जी जी भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आप आए थे तो मतलब सबसे पहले किसका कौन सा सिंगर गाना लिखे थे आप? मेरे क्षेत्र के ही एक गायक थे भीमलाल यादव जी। हाँ हाँ, उनके साथ मेरे करियर का शुरुआत हुआ था। अच्छा। और अच्छे अच्छे गाने भी उनके बजे थे और काफी लंबा समय तक हम लोगों का साथ रहा। हमको लगता है कि 7-8 बरस लगातार साथ रहा उनका हमारा। वो मेरा स्टार्टिंग दौर था और स्टार्टिंग दौर में बहुत स्ट्रगल हुआ था। आज भी आदमी स्ट्रगल ही कर रहा है, ये कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। स्ट्रगल तो रोज करना है, रोज अगर नया गीत बनाना है तो रोज कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ये करना पड़ता है। तो स्ट्रगल तो रोज है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। तो भैया, जैसे अभी पावरेश्वर पोंस का आपके साथ पहला गाना आ रहा है, इसके बाद मतलब जैसे कोई और प्रोजेक्ट आने वाला आपके साथ में, जैसे दर्शक चाहते कि और गाना भी? एक दो गाने भैया के लिए हुए हैं मेरे बोलबम में या फिर लोकगीत आया है सर? नहीं, एक कावर गीत हुआ है और एक लोक गीत। अच्छा अच्छा, अभी एक दो गाने भैया के लिए मैंने लिखा है। जैसे एक कंपनी का आदेश होगा और करने के लिए और होगा, चाहे भैया का आदेश हो या कंपनी मालिक का आदेश हो, तो मैं तो लिखने वाला हूँ, मुझे तो लिखना ही लिखना है, चाहे किसी के लिए तो लिखना है। तो लगातार मेरा गाना जो है एजे फिल्म पर आ रहा है, लगातार आएगा। बड़ा बड़ा गाना, बहुत सारा गाना अभी है तो डबिंग करके रखा हुआ होगा, सब है तो होते रहेगा, तो होना ही है। भैया, एक सवाल था कि जो कि फैंस ने कुछ कमेंट कर रहे हैं कि आखिर न्यू चैनल से ही पवन जी का ही गाना क्यों आता है? देखिए, ये जो कमेंट है पब्लिक का, एक बात हमको बताइए कि पुराना चैनल वाला भी पैसा देता है जी, नया चैनल वाला भी पैसा देता है जी जी, ये तो जायज बात है। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि जो पुराना चैनल वाला है वही चाहिए, उसी को गाना मिले, जो नया चैनल वाला उसको गाना ना मिले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। नया पुराने इसमें नहीं देखना है। आप देखिए कि आपको इंटरटेनमेंट करने के लिए गाने मिल रहे हैं, पवन जी का, खेसारी जी का, चाहे किसी का, तो आप उसको इंटरटेन कीजिए। अब क्यों नया चैनल पर गाना आ रहा है, क्यों पुराना चैनल पर गाना, ये सब पूछने की क्या जरूरत? हाँ, आपको तो एंजॉय करने को मिला है, गाना आ रहा है, आप इंटरटेन कीजिए। देखिए, इतना समय आप सोशल मीडिया पे आके किसी के साथ गाली गलौज करने में लगाते हैं, अब उतना समय अपने बारे में सोचने के लिए लगाइएगा तो आपको बेहतर फायदा होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, सही बात है भैया। भैया, और जैसे इसमें पवन सिंह जी और शिल्पी राज का ड्यूट का गाना हुआ है, और इसमें जो कि पहली बार नजर आई है फीट रोल में बेबी काजल, जो कि फैंस की डिमांड थी कि भैया बेबी काजल एक बार नजर आए, जो कि अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि फैंस का जो है डिमांड था कि पवन जी के साथ बेबी काजल काम करे, तो सौभाग्य मेरा है कि मेरे ही गाने में बेबी काजल का काम मिल गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, मेरे लिए तो प्लस पॉइंट हो गया कि भाई बेबी काजल जी मेरे एल्बम में काम कर दी, जब मैंने जो गीत लिखा था। नहीं नहीं बिल्कुल भैया, तो मेरे लिए फायदे की चीज है, एजे फिल्म्स के लिए फायदे की चीज है कि भाई बेबी काजल और पवन जी का पहली बार, अभी ये भी संजोग देख लीजिए कि बेबी काजल जी और पवन जी का पहली बार वीडियो जो है आ रहा है वो भी एजे फिल्म्स पर। इतना बड़ा गाना, इतना बड़ा एल्बम मिला तो एजे फिल्म्स को मिला और मुझे मिला, मेरे लिखने में मिला, तो ये तो सौभाग्य की बात है ना। जी जी बिल्कुल भैया। भैया, सवाल ये था कि जैसे अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म अवार्ड मिलता है गीतकारों को भी, जैसे हम ये पूछना चाह रहे जैसे कि सिंगर एक्टर एंड बेस्ट अवार्ड मिलता है, जो कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में गीतकारों को ही क्यों नहीं अवार्ड मिलता है बेस्ट गीतकार? ये तो जो बड़े बड़े लेवल पर बैठे हुए हैं, ये उनका अपना अपना सोच है। जैसे आप गायक बेस्ट गाने है, आप भी बेस्ट गाने देते हैं तो आपको भी मिलना चाहिए, एक तरफ से देखा जाए मेहनत आप भी करते हैं। देखिए, ये सवाल तो मैं किसी से नहीं कर सकता, जो चयन करता है, जो अवार्ड शो करा रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर हैं, तो ये सब लोग के मन में बातें आनी चाहिए कि भाई एक अवार्ड शो गीतकार के लिए भी कराया जाए, जस्ट सिलेक्शन किया जाए, कौन गीतकार बढ़िया, किसका गाना अच्छा व्यूज में ले गया, किसका गाना बज रहा है,
किस संगीतकार का म्यूजिक बज रहा है, किस कंपनी का गाना बज रहा है, तो आवाज तो सबके लिए होना चाहिए, ये जी नहीं जी। कि सिर्फ गायक हैं, हीरो हैं, उनके लिए हो रहा है, तो अपनी अपनी सोच है। हम गीतकार है तो हम उसमें क्या बोल सकते हैं जी जी। हमारी दुनिया जो होती है छोटी होती है, हम लोग पर्दे के पीछे के लोग हैं, तो हम लोग अब बेवजह आवाज उठाने से भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि आवाज उठा के हम क्या कर सकते हैं जी जी। भैया सवाल ये था और मन में कि जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी देखा जाए तो कि पवन जी भैया और खेसारी भैया, इसमें भोजपुरी में बहुत ही बदलाव हो रहा है, जैसे बॉलीवुड गाना आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे अभी रिसेंटली में फिल्म फेवर अवार्ड में खेसारी भैया और पवन भैया मिले, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो मान लीजिए भोजपुरी के लिए पॉजिटिव न्यूज है ना, कि ये अच्छी बात है कि दोनों आदमी मिल गए। और मिलना क्या है, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी भोजपुरी परिवार बहुत छोटी है जी, हमारा भोजपुरी परिवार बहुत छोटा है, सबसे छोटा अगर इंडस्ट्रीज देखा जाए तो अपना भोजपुरी परिवार है, भोजपुरी इंडस्ट्री। और उसमें भी अगर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे एक दूसरे के प्रति, अगर तंज कसा जाएगा तो फिर ये इंडस्ट्रीज बढ़ेगा नहीं, जहाँ है वहीं रह जाएगा। पवन भैया मिल गए, गाड़ी जी मिल गए, तो ये तो गुड न्यूज है ना कि दोनों आदमी मिल के काम करे, सबको मौका मिले, छोटे सिंगर हो बड़े सिंगर, सबको काम मिले, सब लोग आगे बढ़े, सबका गीत बजे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही गीत बजे। मैं गीतकार इस लोभ में थोड़े बोलूंगा कि नहीं मेरा ही गीत लिखा बजे, दूसरे का गीत लिखाना बजे जी जी। तो ये देखिए चीज जो सोचता है वो सोचे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर सारे कलाकार एक साथ मिलकर काम करते हैं और काम होता है तो अपना भोजपुरी चीज बड़ा होगा। पानी देखे को ये मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा सोच है। हेलो जी भैया, भैया ये आपका जो है आप बताएगा ना तो कल आएगा ना? जी परसों रिलीज हो रहा है, कल हाँ कल उसका वो जो आएगा टीजर आएगा। तो भैया जिसे आप भैया कोई हिट गाना हो जो कि आप थोड़ा सुना सकते भैया, जो पहले आप अभी एक गाना झुलपिया वाला झुलपिया हिट हुआ था। हाँ सर हाँ हाँ याद अभी अपना एडे फिल्म पर दिलवा थोड़ी जो हिट हुआ, बहुत सारे गाने हैं। अभी कल पवन जी का छूट रहा है तो गाने तो मैं रोज लिखता हूँ, रोज कुछ ना कुछ रिलीज होते रहता है। अब श्रोता के ऑडियंस के ऊपर है कि भाई कौन क्या पसंद करता है, नहीं पसंद करता है, कौन मार्केट में गीत बज रहा है, आदमी सुनता भी नहीं है, क्योंकि हम तो मान लीजिए कि अपने घर में है, बाहर बहुत कम निकलना होता है, तो बाहर गए तो सुन रहे हैं कि भाई ये गीत बज रहा है, नहीं तो हमको क्या पता है कि कौन सा गाना बज रहा है मार्केट में। बाद में जब से मार्केट में निकले गांव में तो पता लगा भाई आपका गाना ये बज रहा है मार्केट में, हिट है पूरा जोरदस्त बना के बज रहा है, तो बाद में आदमी पता लगता है कि चलो भाई अपना गाना बज रहा है मार्केट में, नहीं तो ऐसे क्या पता लगता है कि तेरा गाना बज रहा है कि नहीं बज रहा है। ना तो गाने यूट्यूब पर रिलीज हो रहे हैं तो उसमें कहाँ खोजिए कि आपका कहाँ बज रहा है नहीं बज रहा है। भैया एक लाइन हो जाए किसी कोई भी एक लाइन। अभी मेरा एक हिट हुआ था गाना ये एजे फिल्म्स पर, कि हम नहीं जननी हमार जिंदगी बुजरबू दिलवा तू ही जरबू, हम नहीं जननी हमार जिंदगी बुजरबू दिलवा तू ही जरबू, हमारा से पैर को के दूसरों पर मरबू दिलवा तू ही जरबू, हमरा से प्यार को के दोसरो पमरबू दिलवा तू ही जरबू। और काफी प्यार दुलार बहुत काफी स्नेह हाँ, बहुत स्नेह मिला इसपे सर का, इसपे रील्स बहुत बन रहे हैं इसपे। हाँ हाँ अभी तो देख लीजिए कि 1 मिलियन रील्स पहुंच गया है, 1 मिलियन रील्स हो गया है, 10-12 मिलियन व्यूज हो गया, और कई सारी चैनलों पर चल रहा है, 2 मिलियन 1 मिलियन 1.5 मिलियन सब चैनल पे गाना है, सब आशीर्वाद है पब्लिक का, और पब्लिक का प्यार ही बड़ा बनाता है भाई, कोई गीतकार संगीतकार गायक कुछ नहीं होता सम्मान पब्लिक है तो है जी जी बिल्कुल। लोग नहीं सुनेगा तो व्यूज कहाँ जाएगा, लोग अपने गाना सुनते हैं तब ना व्यूज जाता है भाई जी भैया जी भैया बिल्कुल भैया
चलिए भाई फिर बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ज्यादा ज्यादा क्या कहना चाहते हैं दर्शकों के लिए? आपका आपका चैनल खूब आगे बढ़े, महादेव की कृपा बने कि आप बहुत बड़े न्यूज वाले बने भाई मेरे, ईश्वर का कृपा आप हमेशा सदैव बना रहे और ऐसे ही मार्केट में आपका न्यूज छाए रहे और खूब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मेरे तरफ से। और आप मेरे गाने को प्रमोट कीजिए, खूब प्रमोट कीजिए, हम यही चाहेंगे जी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू भैया।